हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग निधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आप सभी को पता है मैं कलकत्ता में रहती हूँ और मैं रहती हूँ ये बिराटी नाम के जगह में। और मैं अभी हूँ बिराटी स्टेशन में। ये लोकल स्टेशन है लोकल ट्रेन का, और आप लोग टिकट काट सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन आप लोग जो ATM की तरह मशीन है वहाँ से आप लोग काट सकते हो, या तो आप लोग टिकट काउंटर से काट सकते हो। सो अभी हम लोग ट्रेन पे चढ़ के जाएंगे सियालदा, और बिराटी से सियालदा जाने के लिए ओनली 5 रुपीज लेता है। सो हम लोग का जाने का आने का टिकट हो गया, ट्रेन भी आ गया। और आज ट्रेन थोड़ा बहुत भीड़ नहीं था, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोकल ट्रेन में यहाँ पे भीड़ भाड़ होता है। आपको बैठने का तो दूर का बात, आप खड़े भी नहीं हो सकते हो, ऐसा भीड़ भाड़ होता है। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सियालदा, और सियालदा बहुत ही बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, बाकी एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह भी यहाँ पे आता है और लोकल ट्रेन भी यहाँ पे आते हैं। और बोला जाता है कि सियालदा सबसे बिजेस्ट मतलब बिजी स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होता है। और आपको अपना वॉलेट और अपना फ़ोन यहाँ पे संभाल के रखना पड़ेगा। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ पे हम लोग आए हैं मार्केट करने के लिए, सब्जियाँ खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जी का होलसेल मार्केट लगता है। या तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है, 4 बजे से स्टार्ट होता है, या तो आपको इवनिंग 6 बजे से स्टार्ट होता है, इवनिंग आना पड़ता है। सो हम लोग आए हैं इवनिंग टाइम को, क्योंकि मॉर्निंग को इतना सुबह सुबह उठना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। सो हम लोग आ गए हैं इवनिंग टाइम को, और यहाँ पे पार्किंग से ही मतलब स्टार्ट होता है मार्केट पूरा। और यहाँ पे आप लोग बहुत सारा सब्जी वगैरह होलसेलर प्राइस में ले सकते हो, और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी बहुत ही मतलब सस्ता में मिलता है। इसलिए हम लोग हमेशा वीकली मतलब एक बार आते रहते हैं यहाँ पे मतलब बाजार करने के लिए। गाइस, आप लोगों में से भी किसी को पैसा बचत करना है तो सियालदा आइए, और होलसेलर प्राइस में आप लोग सब्जी उठा के यहाँ से लेके जाइए। और अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं सब्जी मंडी, क्योंकि हम लोग को बाकी कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ सब्जी खरीदना है। सो यहाँ पे देख सकते हो सब्जी बहुत सारा वेराइटीज़ का है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग केले भी है और जैक फ्रूट भी है यहाँ पे, और आसाम पे जैक फ्रूट का सब्जी खाते, बाकी जगह में मुझे नहीं पता इसलिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग गाजर वगैरह फ्रेश फ्रेश लाल लाल है, और यहाँ पे बहुत सारा वेराइटीज का सब्जी मिलेगा आपको। ग्रीन ग्रीन भिंडी दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग धनिया हरा हरा, और वाइट मूली है यहाँ पे, और यहाँ पे बैगन है, वाइट बैगन भी है और ब्लैक कलर का भी है। और यहाँ पे बहुत सारा सब्जी भी दिखाई देगा आपको, टमाटो वगैरह भी है यहाँ पे। और ये सब्जी सारा आता है गांव से आता है, इसलिए मुझे गांव का जो भी किसान भाई लोग हैं उनको मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का वजह से हम लोगों को भी फ्रेश फ्रेश सब्जी खाने के लिए मिल रहा है। सो ट्रक में आता है सब्जी और ये जाता है सब्जी मंडी में, और यहाँ से आप लोग होलसेल प्राइस में मिल जाएगा आप लोगों को। सो 1 किलो ऐसा खरीदने से नहीं मिलेगा आपको, सीधा उठाना पड़ेगा आपका जो पल्ला हिसाब से यहाँ पे देता है। सो हम लोग का अभी मार्केटिंग हो गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं सियालदा स्टेशन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दूर से बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है सियालदा स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पे लाइटिंग का वजह से बहुत कलरफुल जो लाइटिंग है उसका वजह से बहुत सुंदर दिखाई देता है, कभी हरा आता है, कभी नीला होता है, कभी लाल होता है, कभी ग्रीन होता है, आप लोग देख सकते हैं कभी येलो होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और रात का 11 बज गया फिर भी यहाँ पे आदमी नहीं कम हुआ है आप लोग देख सकते हो। और अभी थोड़ा बहुत भीड़ कम था ट्रेन में, हम लोग चढ़ गए हैं अपना अपना सीट पे बैठ गए। ये है हम लोग का छोला मूना जो भी बोल सकते हो, और मेरी फ्रेंड यहाँ पे शर्मा रही है, मैं वीडियो कर रही हूँ। सो थैंक यू।